दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ तैयार हैं सीसके का कैंप ज्वाइन करने के लिए और दीपक चहर कब आ रहे हैं, दोनों के बारे में सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको चाहिए आईपीएल 2022 से रिलेटेड लेटेस्ट और ट्रस्टेड अपडेट्स। सबसे पहले बात करें हम दीपक चहर की, तो दीपक चहर चोटिल हुए थे इंडिया और वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज के दौरान। उनकी चोट ज्यादा गंभीर थी इसलिए वो अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन के मुताबिक दीपक चहर अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं। बीसीसीआई सीएसके को नोटिस कर देगी जब दीपक चहर मैच रेडी हो जाएंगे। आपको बता देगी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो दीपक चहर का बताया जा रहा है वो है अप्रैल के मिड में, मतलब बीच आईपीएल में वो वापस आ सकते हैं। शुरुआती हफ्ते वो नहीं खेल पाएंगे सीएसके के लिए। और अब बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ऋतुराज गायकवाड़ मेडिकली क्लियर है, हमने आपको पहले ही बताया था, और वो अब सीएसके के लिए निकल चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ ने स्टोरी लगाई है कि कमिंग सून चेन्नई सुपर किंग्स। उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट है 17 तारीख या फिर 18 तारीख, यानी कल या फिर वो परसों सीएसके का कैंप ज्वाइन करने ही वाले हैं। तो हमें ऋतुराज गायकवाड़ पहले ही मैच से देखने को मिलने वाले हैं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे एक और अपडेट के साथ। बाय।